ऐसा प्रकार का गड़बड़ छाया हुआ है। Have a go to a young teenager's room. अगर आप किसी टीनेज या फिर जो 13 साल के ऊपर कोई लड़के या लड़की के कमरे में जाएंगे, Many such rooms, you won't be able to find the bed. ऐसे कमरे में आपको बिस्तर कहाँ है ये दिखेगा नहीं, Because there's so much mess all over the place. क्योंकि पूरा जो कमरा है कचरे से भरा होगा। The earth was a full mess. तो इसी तरह जो हमारी पृथ्वी थी प्रकाश बोलने से पहले पिता परमेश्वर के वो कचरे से भरी थी। Now, what did God do? तो पिता परमेश्वर ने इसके बाद क्या किया? Let there be light. परमेश्वर पिता ने कहा कि वहाँ पे प्रकाश उत्पन्न हो। And the light was there. और प्रकाश उत्पन्न हो गया। Now my question to you is, did God create that light? तो मेरा सवाल आपसे है कि आप पिता परमेश्वर ने वो प्रकाश जो है वो बनाया उत्पन्न किया? That verse actually says in Hebrew that God said, "Let the light haya," means let the light appear. पिता परमेश्वर ने वहाँ हिब्रू वचन बोला है, उसका मतलब है हया, मतलब to appear, मतलब प्रकट होना। That means he didn't create the light at that time. तो वहाँ उसने उस चीज की उत्पन्नी या उत्पत्ति या निर्माण नहीं किया। The light was already there. प्रकाश जो है वो पहले से ही वहाँ था। But God said, "Now let it appear upon the earth." लेकिन पिता परमेश्वर ने कहा कि वो अब वहाँ प्रकट होए पृथ्वी पर। Isn't that interesting? क्या ये बहुत अलौकिक है? My question to you is, what was this light? तो मेरा सवाल है ये जो प्रकाश पिता परमेश्वर बोल रहे हैं जो प्रकट हुआ वो क्या है? Which day of creation was this? ये कौन सा दिन है जहाँ पे इसकी इसका निर्माण हुआ? Which day are we talking about? हम कौन सा दिन की बात कर रहे हैं? The first day, right? Day one. पहला दिन। Now what was this light? ये प्रकाश कौन है? Was it the sun? क्या ये सूर्य है? Was it the moon? क्या ये चंद्र है? Was it the stars? क्या ये तारे हैं? What do you think? Come on, if we can interact, it will be much better. हम एक दूसरे से बात करेंगे तो ये ज़्यादा आसान होगा। आपके अनुसार ये कौन सा प्रकाश है? Okay, here's another question for you. तो ठीक है, अगर आप बता नहीं रहे तो मैं आपके लिए दूसरा सवाल करता हूँ। When did God create the sun, the moon, and the stars? तो आप मुझे बताइए कि परमेश्वर ने सूरज, चांद और सितारों का निर्माण कब किया? Which day? कौन से दिन? Bible says he created it on day number 4. पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने इन तीनों चीजों की निर्मिति चौथे दिन की थी। Fourth day. चौथे दिन। So that means for 3 days. Where was the light coming from? तो ये तीन दिन ये जो प्रकाश जो कह रहे हैं पिता परमेश्वर ये कहाँ से आया? Think about it. सोचिए। So there already was light. तो इसका मतलब जो प्रकाश है वो पहले से था। There was already evening and morning. तो वहाँ पहले से ही शाम और सुबह थी। So where did the light? Why did then God make the sun and the moon? तो किस कारण परमेश्वर ने चांद सितारे और चंद्रमा बनाया, सूरज बनाया? Where was all that light coming from? और वो कहाँ से प्रकाश तो तीन दिन आ रहा था? Now, the light was coming from God within himself. जो प्रकाश है परमेश्वर के अंदर से आ रहा था। In 1 John chapter 1 and verse 5. एक यूहन्ना 1:5 में कहता है। It says that God is light. कि वहाँ कहता है पिता परमेश्वर जो है प्रकाश है And in him there is no darkness. और उसके अंदर कोई भी प्रकार का अंधेरा नहीं है। Amen. Amen. That light was none other than the Messiah, Jesus himself. वो जो प्रकाश था वो और कोई नहीं बल्कि यीशुआ मसीहा था। Jewish रबाई जो हैं वो बताते हैं। They teach that this was God's first revelation to the world about the Messiah who is supposed to come. रबाई ये बताते हैं कि दुनिया को सबसे पहले ये परमेश्वर का या उनके बेटे का प्रकटीकरण पहला प्रकटीकरण था। The first time God revealed the Messiah to the world was this light. सबसे पहले जब परमेश्वर ने अपना मसीहा उनको बताया था वो ये प्रकाश था। And he comes right from within the heart and within all of God, that all that God is all about the Messiah. तो वो जो है पिता परमेश्वर के अंदर से वो
प्रकाश आता है वो उनका मसीहा था. That is why the Lord Yeshua also said, when you see me, you have seen the Father. इसी कारण प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर आपने मुझे देख लिया तो आपने पिता परमेश्वर को देख लिया. And that is why the Lord used this word, let the light appear. He didn't create the light, he created everything else, but he said, let the light appear. इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं यहाँ प्रकाश की उत्पत्ति नहीं करता हूँ लेकिन प्रकाश को प्रकट होने के लिए कहता हूँ. Now this light is supposed to be the light that will be upon all of the earth one day. तो ये प्रकाश ऐसा है जो एक दिन सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाएगा या प्रकट होगा एक दिन. When God establishes the kingdom upon this earth, जब परमेश्वर अपना राज्य इस धरती पे लेके आएंगे, the book of Revelation says that there will be no need for the sun. प्रकटीकरण की किताब में कहता है कि उस समय हमारे हमें इस सूरज की जरूरत नहीं पड़ेगी. Because the Lord and His presence itself will be that light. तो प्रभु परमेश्वर का जो उपस्थिति है वही ये प्रकाश ले आएगा. So the light that God was to bring at that time, He introduced it first into the world at the time of creation. तो वो जो प्रकाश आने वाले दिनों में प्रभु यहाँ बताता है प्रकटीकरण की किताब में, उसने उत्पत्ति की किताब में पहले ही बता दिया कि वो प्रकाश कौन है. Amen. Amen. So my question again. तो मेरा सवाल आपसे और एक बार. Who is the light? कौन है प्रकाश? Jesus is the light. Yeshua. And that is the light that God introduced into the world. और ये जो यीशुआ प्रकाश है, ये ही पिता परमेश्वर ने इस जगत को दिखाया. Now the light, how do we come to know the light? How is it revealed to us? तो हमें कैसे पता चलता है? कैसे हमें इस प्रकाश के बारे में पता चलता है? The light is revealed to us through His word. तो इसका जो प्रकाश है प्रभु पिता परमेश्वर का प्रकाश हमें उसके वचनों से पता चलता है. Through the Torah of God. पिता परमेश्वर के तोरा से हमें ये पता चलता है. Okay, now what is this Torah? आप बोलेंगे तोरा कौन क्या है? Simple, very simple. The word Torah means God's instructions. बहुत आसान है. तोरा माने परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाएं. आज्ञाएं, yes. His word to us. उसका वचन हमारे लिए. That the Jews would say it's the first five books of the Bible. यहूदी लोग कहेंगे कि पहली किताबें पहली पांच किताबें उसे तोरा कहते हैं. And it is also the prophetic utterances of all the prophets of God. और जो भी हमारे भविष्यकाल हुए थे उनके मुख से निकले हुए प्रभु के वचन. And all of God's word in the new covenant also. और नई पुस्तिका में जो भी परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन हैं. All of this is God's instruction to us. ये सारा सब कुछ मिलके ये हमें प्रभु परमेश्वर की आज्ञाएं हैं. And all of this teaches us about the Lord Yeshua. और ये सब हमें सब कुछ हमें यीशुओ के बारे में सिखाते हैं. So He is the light. तो वो प्रकाश है. And His word leads us to that light. और उसका जो वचन है वो हमें उस प्रकाश की तरफ ले जाता है. Amen. Amen. So that light has illuminated the world. तो उस प्रकाश ने इस पूरी पृथ्वी को उस पूरी दुनिया को चमका दिया है. So God brought that light into the world first. तो पिता परमेश्वर ने सबसे पहले उस प्रकाश को इस दुनिया में ले आया. And through that light he brought illumination, he brought understanding to the world. और उस प्रकाश के कारण उसने इस दुनिया में एक illumination understanding, wisdom. एक प्रकार का बुद्धि ले आया है उसके बारे में एक प्रकाशमान कर दिया है. Now after that, what did God do? Next. उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? Then God created human beings. उसके बाद पिता परमेश्वर ने आदम और हवा और हमें बनाया. Right? And we see that in Genesis chapter 1 verse 26 and 27. उत्पत्ति एक में 26 से 27 में हम देखेंगे कि पिता परमेश्वर ने कैसे आदमी को बनाया. It says God created mankind or humankind or man in His image. पिता परमेश्वर ने एक आदम को अपने स्वरूप में बनाया. Now we saw, right, even the last time I was here, we saw the word image is the word selem, which actually means photocopy. हमने पिछले बार भी देखा था इमेज माने जो उसका रूप है उसका मतलब सेलेम है उसका मतलब है फोटोकॉपी. So God has created us to be a photocopy of Himself. तो पिता परमेश्वर ने हमें उसका फोटोकॉपी या उसका ज़ेरॉक्स बनाया है. Amen. Amen. Can you say that? क्या? I am a photocopy of God. Right? मैं परमेश्वर का एक ज़ेरॉक्स कॉपी हूँ. Amen. Amen. If people see you, they're supposed to see God.
जब लोग आपको देखते हैं उन्हें परमेश्वर दिखना चाहिए. People see us, they're supposed to see a reflection of the nature of God. जब हमें लोग देखेंगे तो हमें परमेश्वर का प्रतिरूप वो देखें. So what did God do actually? परमेश्वर ने क्या किया? He put his breath into mankind. उसने अपनी जो सांस है आदमी के अंदर फूंक दी. That is not how he created the animals. उस तरह फूंकने के कारण उसने जानवर नहीं बनाए. He created the animals by declaring his word. उसने जानवर जो है पक्षी जो है वो अपने मुख से निकले हुए वचन से बनाए. But when he created human beings, जब उसने मानव बनाया, he put his breath उसके अंदर उसने अपनी श्वास भर दी. Amen. Amen. You and I have God's breath in us. हम में और आप में पिता परमेश्वर की सांस फूकी हुई है. The animals do not have God's breath. जो जानवर है जो पक्षी है उनके अंदर प्रभु परमेश्वर का श्वास नहीं. They have lives, they can think, they have brains, but they don't have the breath of God. उनके पास जीवन है वो सोच सकते हैं लेकिन उनके पास प्रभु परमेश्वर की श्वास नहीं है. That privilege is only reserved for human beings. ये जो प्रिविलेज है ये सिर्फ हमारे सौभाग्य हमारे लिए ही है मानव के लिए ही. Amen. Amen. That's why we are made in his photocopy. इसीलिए हमें पिता परमेश्वर की फोटोकॉपी में बनाया है. So what had happened? God passed through his breath. He passed on that light onto us. तो जिस समय उसने हमारे अंदर वो सांस फूकी थी उसी समय उसने उसका प्रकाश हमारे अंदर डाल दिया था. So where did we start? तो हम कहां शुरुआत की? The earth was a big mess. जो पूरी पृथ्वी थी पूरी तरह कचरे में थी. God introduced the light, he introduced the Messiah to the world by saying, "Let there be light." प्रभु ने प्रकाश को उत्पन्न किया प्रकाश को प्रकट किया और पूरी दुनिया में उसी तरह मसाया को ले आया. Now he said, I need to have someone who will continue that light. और वो कहता है कि अब मुझे कोई ऐसा चाहिए कि वो प्रकाश को है वो आगे बढ़कर ले जाए. So he put his breath into human beings. तब उसने अपना श्वास मानव के अंदर डाला. And he passed on the light from himself to Adam and Hawa. तो उसकी श्वास से उसने अपना प्रकाश आदम और हवा में आगे बढ़ा दिया. Have you ever seen a relay race? आपने कभी रिले रेस देखी है? Yes. Okay. I want all the children to come in front. Come fast. Quickly. जो भी छोटे बच्चे हैं आगे आ जाएं. Jordan, Big Jordan, युवराज, John, everyone, whoever's there. जो बच्चे हैं जल्दी आइए. Come. जल्दी आइए. Okay. Now, you stand here. Come here. Go to the back and Johnny right at the back. This is a baton. ये आपके हाथ में बेटन है. So when you run a relay race, जब आप रिले रेस भागते हो, you run, give it to him. Now you run, give it to him. You run, give it to him, and you take it to the end. एक दूसरे को बेटन जो है पास किया जाता है और आखिर तक शुरू से पहुंचा दिया जाता है. This is a relay race. इसे रिले रेस कहते हैं. All right. God started a relay race. परमेश्वर ने जो है एक रिले रेस शुरू की थी. And he passed on the light. To Adam and Hawa. तो उसने वो प्रकाश जो है आदम और हवा को पास किया था दे दिया था. With the intention कि उनका जो intention था that they will continue to run with the light and transform the whole world through the light of God. तो वो जो प्रकाश लेके आगे बढ़े आगे दौड़े और पूरी दुनिया को प्रकाशमान कर दे. So that is the intention that God had in mind. तो प्रभु परमेश्वर के दिमाग में वो purpose था वो plan था. Now God first created Adam. सबसे पहले परमेश्वर ने आदम का उत्पन्न किया आदम को बनाया. And the Bible says that God looked and he said, "Hey, there is no one that is a helpmeet or a companion to Adam." तो प्रभु परमेश्वर ने आदम को देखा और कहा कि ये अकेला है उसके साथ मदद करने के लिए कोई नहीं है. Am I right? Okay. So what did God do? तो परमेश्वर ने आगे क्या किया? He said, "Now I will create a partner for him." अब मैं उसके लिए सहभागी सहकारी बनाऊंगा. Remember, what's the purpose? अब ध्यान रखिए purpose क्या है? To carry the light into the world. जो प्रकाश है वो दुनिया में ले जाना है. Amen. Amen. Okay. Now I want us to think a little bit on this word. मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में इस वचन पे थोड़ा सोचें मनन करें. Most of the times what you will hear about this is that Adam needed a helper or a partner, so God created Hawa. बहुत बार ये पढ़ के हमें लगता है कि आदम को एक पार्टनर और सहकारी
चाहिए था, इसीलिए परमेश्वर ने हवा का निर्माण किया। I want to share with you something that I heard somebody else speak. किसी और ने ये बोला है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। It's very interesting. और बहुत ही interesting है। So he says that the word, the Hebrew word used here, is a word called aitzer. तो हिब्रू में जो वर्ड है हेल्प मीट, उसका मतलब है aitzer. Now aitzer, can you say with me aitzer? Everyone say aitzer. Aitzer. Okay. Now this is actually a military term. ये जो है एक मिलिट्री टर्म है, आर्मी में लड़ाई में इसका इस्तेमाल होता है। Brother Paul would love to hear this actually. So it's a military term. ये जो है आर्मी में लड़ाई में यूज होता है। And it's actually used to refer to somebody who is to defend you and is willing to kill somebody on your behalf. वो इसलिए यूज किया जाता है कि वो आपका रक्षण करे और अगर मौका मिले तो उस चीज को मार भी डाले। So actually, he created Hava to be Adam's bodyguard. तो अगर कहा जाए, आइसर का मतलब है हवा को परमेश्वर ने आदम का एक रक्षक बनाया था। Can you imagine that? क्या आप विचार कर सकते हैं? Different, right? Totally different viewpoint. कुछ अलग है। Then you say, okay, Hava was created to be his assistant. तो ऐसा हमने बहुत बार सुना है कि आदम हवा जो है वो सहकारी सहभागी साथ में चलने वाली थी, लेकिन इस वचन से हमें पता चलता है कि वो तो असल में उसका रक्षण करने के लिए, उसे बचाने के लिए पैदा हुई। आइसर का दूसरा मतलब भी असिस्टेंट है, सहभागी, लेकिन उसका मतलब उसका जो मिलिट्री टर्म है वो एक लड़ाई वाला। Now what was happening is that God in the Garden of Eden at the time of creation established a family system. तो ये चौंका देने वाली बात है कि परमेश्वर ने ईडन गार्डन में आदम और हव्वा के द्वारा एक कुटुंब का निर्माण किया था। You understand me? God established the family system in the Garden of Eden. जो कुटुंब जो establish किया था, स्थापित किया था। And God started to define. It's like in an office you define, right? What does an HR person do? What does an administrator do? What does a finance person do? What does a transport person do? Every job is defined. जैसे एक ऑफिस में जो पूरा काम है वो बनाया होता है, दिया जाता है एचआर वालों का, ट्रैवल वालों का, मैनेजर पोस्ट का, उसी तरह परमेश्वर ने इस गार्डन में हमको हमारा काम दे दिया था। God defined what is the role of Adam and God defined what is the role of Hava. और उसी तरह उसी समय परमेश्वर ने उस बगीचे में आदम की क्या जिम्मेदारी है और हवा की क्या जिम्मेदारी है वो उसने वहां पे बता दिया था। Now, Adam was meant to be the leader of all of God's creation. जो आदम था वो जो है परमेश्वर ने सभी के ऊपर, जो परमेश्वर ने बनाया था उसके ऊपर एक लीडर और एक ऐसा अगुवा बनाया था। So the leadership of the family is always to be with the man. तो जो अगुवे का रूप है वो परमेश्वर की तरफ से हमेशा आदम या मनुष्य या पुरुष की तरफ जाता है। Now what was to be the role of Hava in that case? तो इस समय हवा और हवा का क्या रोल था, उसका क्या काम था? It's important to understand that to have a successful family. तो ये बहुत जरूरी है जानने के लिए, अगर हमारा परिवार एक सुदृढ़ और मजबूत परिवार हो, कि प्रभु ने क्या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। हवा वाज मेंट टू बी द इनेबलर ऑफ आदम। जो हवा थी उसे परमेश्वर ने आदम का काम आसान कराने वाली बनाया था। She enables something to happen. वो आसान कराने वाली या फिर वो काम आगे बढ़ाने वाली या फिर उस काम में उसे मदद करने वाली। Yeah, मदद करने वाली, और you know, it's literally the foundation upon which he can build his leadership. तो ऐसा foundation, ऐसा जो काम था जिसके ऊपर आदम अपना अगुवाई का काम आगे बढ़ा सकता है। Are you getting me? It's like you have a person in front who is, let's say, okay, let me give another example. Have you all, anybody watches sports? You see tennis? क्या कोई यहाँ पे स्पोर्ट्स खेल के काम देता है? Or you see driving, motor sport driving, Formula One, or bike riding, right? You see an individual in the front.
आप देखते हो कि जब भी ये स्पोर्ट्स या क्रीड़ा का काम होता है तो वहां पे एक आदमी जो है वो चला रहा है, भाग रहा है, काम कर रहा है, उसको एक आदम की तरह आप मानिए। Behind him, उसके पीछे, let's say motorsport, a Formula One car, Formula One car की जो रेसिंग है उसके बारे में देखेंगे। They have to take a stop. वहाँ पे उनको कहीं रुकना है। The tires have to be changed. जो टाइल्स हैं, जो भागने के लिए जो गाड़ी चलाने के टाइल्स हैं, वो बदलने हैं। टायर जो है वो बदलने हैं। The petrol has to be refueled into the vehicle. जो गाड़ी है चलाने उसके अंदर का पेट्रोल हमें बदलना है। A team is doing that. ये पूरा एक ऐसा टीम सब कुछ उसके उसको मदद कर रहा है। One master is sitting in the inside and telling the person, the driver, now is the time to come in and get refueled. तो एक मास्टर बैठा है, वो बोलेगा कि अभी वो गाड़ी का फ्यूल जो है वो खत्म हो गया, अभी जाना पड़ेगा। ये पूरा स्ट्रेटेजी है, वो पूरा प्लान बना हुआ है। And only if things are done correctly can the driver win the race. और ये सब पीछे का बैकग्राउंड जो है, अगर ये पूरी तरह काम किया हुआ है, तभी जो ड्राइवर है वो आगे गाड़ी चला सकता है। ये सारी टीम जो है वो मदद कर रही है ये जो ड्राइवर है उसे जिताने के लिए। आप सोचिए, अगर वो टीम ने ऐसा मिसमैच कर लिया कि गाड़ी के चार पहियों की जगह पे उसने सिर्फ तीन पहिए लगाए और चौथा वो भूल गए। गाड़ी चलाने वाला होगा, लेकिन अगर चौथा पहिया ही नहीं है तो वो क्या गाड़ी चलाएगा? So the driver is Adam. जो गाड़ी चलाने वाला है वो आदम है। The world is seeing him. दुनिया उसे देख रही है। But without that enabling team, the driver's a failure. जो मदद करने वाली टीम है अगर वही काम नहीं कर पाए और उसके बिना ये जो ड्राइवर है वो नाकाम है। That's hard. वो जो enabling टीम है वो हवा है। Who's stronger? आप बताइए इनमें दोनों में कौन मजबूत है? Now let's say that the enabling team sees that the driver's going to drive into danger. Suddenly there's a storm coming. What do they do? Enabling team है, जो टीम है रक्षण करने वाली, आगे बढ़ाने वाली, वो आगे से देख रही है कि आगे कोई तो तूफान आने वाला है, तो ये enabling team driver को क्या बोले? They're watching the weather patterns. They're watching all of that happening. वो सब देख रही है, बारिश कब होने वाली है, ठंड कब पड़ रही है, आगे गीला है, सब देख रही है। And they don't say anything to the driver. और वो कुछ भी नहीं बोलती ड्राइवर के लिए, उन्हें उनको बोलती है आगे जाइए। What will happen? क्या होगा? Have you ever walked on into the bathroom and there's a lot of soap and you fell? आप कभी बाथरूम में गए हो जहाँ पे बहुत सारा साबुन है और आप ठीक से चल पाए हो वहाँ पे? That's what will happen. वही होगा। So the job of Hawa was to enable Adam to do his role. तो हवा का जो काम था, ये आदम का जो अगुवाई का काम है, उसे आसान बनाना और उसे सही ट्रैक पे रखना था। उसको देखना था कि ये शत्रु कौन है, Watch out. देखना चाहिए। And tell Adam, look, he's coming. Enemy's coming. और उसी तरह आदम को बोलना है कि देखो आगे से शत्रु अटैक करने आ रहा है। And that's why God gave her a different perspective to life. और इसी तरह हवा को परमेश्वर ने एक अलग नजरिया दिया था जीवन जीने का। Where did she fail? वो कहां नाकाम हुई? Rather than warning Adam that look he's come, she went and fell into the trap herself. उसने आदम को बताने के बजाय खुद ही उस जाल में फंस गई। Now the problem in families happens is when Hawa tries to become the Adam. बहुत बार इस तरह होता है कि बहुत बार जो हवा है हमारे कुटुंब में, परिवार में ऐसा प्रॉब्लम आता है जब हवा जो है आदम के जैसा बनना चाहती है। And Adam wants to become the Hawa. और आदम जो है वो हवा की तरह बनना चाहता है। And you know, when that happens, then everything is a mess. और जब ये होता है तब बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है, पूरी तरह गड़बड़ी हो जाती है। The family is never able to actually fulfill the will of God. और जो परिवार, because everything's in, not in place. जो परिवार है प्रभु का, जो काम है वो आगे बढ़ा नहीं सकता, पूरी तरह गड़बड़ हो जाती है। And that is what happened at that time in the Garden of Eden. और उसी तरह उस बगीचे में ये सब गड़बड़ी हो गई थी। Things went wrong. पूरी तरह चीजें गड़बड़ हो गई। Adam and Hawa were not able to carry the light forward. और आदम और हवा जो है प्रभु ने जो फूका हुआ श्वास के रूप में प्रकाश था, उस प्रकाश को वो आगे बढ़ा नहीं पाए। Okay, so remember, every Hawa needs to remember. तो आप समझ रखिए कि सभी हवाओं को ये, यहाँ जो बैठी हुई सारी हवा है उन्हें ये याद रखना है।
यू आर मेड टू बी एन एक्सर आपको इत्सर इत्सर के समान बनाया है आमेन एन इनेबलर एन इनेबलर जो काम आगे बढ़ाता है अ बॉडीगार्ड एक रक्षक के तरीके से लिटरली अ मिलिट्री पर्सन और ऐसा एक योद्धा समान हू टू डिफेंड आदम जिसको आदम का रक्षण करना है उसे फाइट ऑन बिहाफ ऑफ आदम उसके जगह पे उसे लड़ाई करनी है इफ नेसेसरी इवन किल ऑन बिहाफ ऑफ आदम और ऐसा भी होए कि अगर आदम के लिए उसे जान भी दे उसे मारना भी पड़े किसी को डू व्हाटएवर इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द अनॉइंटिंग अपॉन आदम कुछ भी कीजिए कि आपके आदम के ऊपर का जो अभिषेक है उसे गार्ड कीजिए उसे उसका रक्षण कीजिए वी डोंट एक्चुअली किल मैं आपको बताना चाहता हूँ हम विश्वासी हैं रियली एक्चुअली हम मारते नहीं हैं बट द इंटेंसिटी ऑफ लाइफ एंड द इंटेंशन शुड बी ऑफ दैट लेवल ऑफ इंटेंसिटी और जिस और इस मारने के हम ये कहना चाहते हैं कि उस तरीके से जैसे जिस आवेश में हम किसी को मारना चाहते हैं उस आवेश से प्रभु कहता है कि आपके आदम के ऊपर का जो अभिषेक है उससे आप रक्षण कीजिए Often in office, the one thing we ask when someone is working, if they make mistakes, the first thing we ask, what was the intent? बहुत बार जब गलती होती है ऑफिस में तब हम एक दूसरे को पूछते हैं आपका जो ध्येय क्या था उद्देश्य क्या था इस गलती के पीछे And the intent that Hava needs to have is that level of intensity. I'm going to do everything possible to protect the anointing upon my Adam. तो हवा का ये जानने हवा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे आदम के ऊपर जो अनॉइंटिंग है जो अभिषेक है उससे मैं रक्षण करूं उसका मैं रक्षण करूं Amen. So God established the system of the family. पिता परमेश्वर ने ये परिवार का जो सिस्टम है उन्होंने स्थापित किया था In Psalm 68 verse 6 the Lord says that God sets the solitary in families every family system is established by God Psalm 68:6 में कहता है कि पिता परमेश्वर जो अकेलों को है वो कुटुंब में स्थापित करता है Every person in the family has a role to play. हर जो कुटुंब में रहने वाला व्यक्ति है उसे एक काम है And why did God establish the family? और क्यों पिता परमेश्वर ने ये परिवार का स्थापना किया? So that the light could be passed on into all the world. तो ये जो प्रकाश है पूरी दुनिया में फैल जाए. Amen. So every family has a mandate to carry God's light into all of the world. तो सभी कुटुंब सभी परिवारों का ये एक ध्येय होना चाहिए कि प्रभु का प्रकाश पूरी दुनिया में ले जाए या फिर ले आए टू रिमेम्बर दैट ये हमें हमेशा याद रखना है आमेन एवरी फैमिली इफ फैमिलीज आर सिटिंग हियर प्लीज रिमेम्बर दैट देयर इज अ लाइट दैट हैज बीन पास्ड ऑन टू यू लाइक अ रिले रनर टू कैरी टू द वर्ल्ड यहां पे बहुत सारे कुटुंब बैठे हुए हैं आपको ये जानकारी देता हूं कि आपका ये रिस्पांसिबिलिटी है कि ये प्रभु का प्रकाश पूरी दुनिया में ले जाए सो आदम एंड हवा स्टंबल्ड आदम और हवा गिर गए पाप में वर्ल्ड बिकेम अ बिग मेस तब पूरी दुनिया जो है वापस एक बहुत बड़ी गड़बड़ी में आ गई एंड ऑलमोस्ट 2000 इयर्स पास्ड बाय और 2000 वर्ष बीत गए एंड फाइनली द लाइट वाज पास्ड ऑन गॉड सेड आई एम गोना स्टार्ट अफ्रेश प्रभु परमेश्वर ने बोला कि इस गड़बड़ी को देख के मैं फिर एक और बार फिर से नए सिरे से शुरुआत करूंगा और तभी प्रभु परमेश्वर ने अब्राम इस आदमी का अबीनो और अब्राम नाम के व्यक्ति का चुनाव किया And God selected him प्रभु ने उसका सिलेक्शन किया for the same purpose, उसी पर्पस के लिए उसी कार्य के लिए कि ये जो प्रभु का प्रकाश है वो आगे बढ़े आमेन आमेन ओके नाउ व्हाट हैपेंड विद हिम उसके साथ क्या हुआ ही हैड अ सन उसका एक बेटा था व्हाट इज हिज नेम यू कैन सी इट देयर इत्साक और इन इंग्लिश वी कॉल हिम आइज़क इत्साक या फिर आइज़क उसका बेटा था डिड अब्राहम हैव अ वाइफ अब्राहम की पत्नी थी यस व्हाट वाज हर नेम सारा सारा ओके नाउ आई एम गोना Tell you a little bit about this story. आपको मैं इस स्टोरी के बारे में थोड़ा कुछ बताता हूँ। Because you have to understand, the light is now passed on to Abraham. आपको ये समझने के लिए कि ये जो प्रकाश था, ये अब्राहम के पास प्रभु ने दे दिया। Abraham starts his journey. Thank you, Abraham. अब्राहम एक अपने एक जर्नी पे चला गया। Just like you and I are on a journey. जैसे हम एक जर्नी पे हैं, उसी तरह ये भी जर्नी पे था। As an elderly man.
he gets a son. और एक वयोवृद्ध आदमी था तभी उसको एक बेटा हुआ. How old was Abraham when his son Isaac was born? क्या आप जानते हैं कि अब्राहम कितने उम्र का था जब उन्हें इसहाक पैदा हुआ? Anyone knows? किसी को पता है? How old was he? 75. प्रभु का प्रॉमिस मिला और 100वें साल में वो जो प्रॉमिस था वो पूरा. How old was Sarah? अब सारा उनकी पत्नी कितनी उम्र की थी? 90. तो वो 90 साल की थी. Wow. Okay. Now Abraham's happy. Okay, God promised me that through me all the earth will be blessed. Now I have a descendant. तब अब्राहम बहुत खुश हो गए. अभी मेरे पास बेटा है. अब आगे मेरा जो generation है, मेरा कुल जो है, वो आगे बढ़ेगा. So he starts teaching his son the ways of the Lord. तो तभी अपने बेटे को परमेश्वर के मार्गों के बारे में, परमेश्वर के बारे में उसे सिखाने लगा. He's teaching him all the ways of the Lord and telling him about his faithful walk with God. तो वो बताने लगा कि मैं कैसे प्रभु के साथ चलता था. आप भी चलो. And a time comes when God calls Abraham. Abraham, listen. Yes, Lord. I want you to take your son, your only son, and go and sacrifice. एक ऐसा समय आता है प्रभु परमेश्वर अब्राहम को बुलाते हैं. बोलता है अब्राहम यहाँ आओ, आपका जो इकलौता पुत्र है वो पुत्र ले जाओ और मेरे मेरे सामने अर्पण कर दो. Every father over here, think about this. आप हर कोई पिता यहाँ पे बैठा है उसके बारे में सोचिए. If you are in that position, अगर आप अब्राहम की जगह होंगे and God is telling you, और परमेश्वर आपको कहते हैं take your only son, आपका इकलौता बेटा लीजिए, sacrifice him as a burnt offering, और उस बेटे को अर्पण कर दीजिए, जला के अर्पण कर दीजिए, what will you think? आप क्या सोचेंगे? That is not the voice of God. वो बोलेंगे अरे ये पिता परमेश्वर की आवाज हो ही नहीं सकती. You come, Pastor Bino, I'm listening to the voice of the devil. Pray for me. आप बोलेंगे अरे पासवान मैं तो शैतान की आवाज को सुन रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए. What was Abraham's response? अब्राहम का जो उत्तर क्या था? He says yes, sir. उसने उन्होंने बोला कि हाँ परमेश्वर मैं दूंगा. That was the level of faith he walked in. उस लेवल का उस का लेवल का उसका विश्वास था. उसके 50% भी है विश्वास में. Okay, now next question to you. अगला सवाल आपके. How old was Isaac when all this happened? इज़ाक जो है, आइज़ैक जो है, कितने उम्र का था जब उसको उसके पिता ऊपर ले गए अर्पण के लिए? 12 साल का है तो वो थोड़ा सा बड़ा होगा जॉर्डन से और उसको लेके जाएंगे. जो ट्रेडिशन है वो बताती है कि वो 12 साल का नहीं था लेकिन वो 33 to 37. And that is the age when a man is at his absolute prime of strength. और वो जो उम्र है उसमें जो पुरुष है वो अपने पूरी ताकत में जवानी में जो है वो ताकत में स्ट्रॉन्ग रहता है, मजबूत रहता है. तो आप सोचिए कि जो अब्राहम है की उम्र क्या होगी? He's around 137 years old. उस समय वो 137 उम्र थी. So at the age of approximately 137, he's taking his 37-year-old son to sacrifice him as a burnt offering. तो 137 की उम्र में अब्राहम जो है वो थोड़े बूढ़े होंगे, वो अपने जवान बेटे को जो 37 साल का था उसे ले गए उस माउंटेन पे अर्पण करने. शुरुआत में अब्राहम उसे बताते नहीं है कि अर्पण करने जा रहा हूँ वो आप ही हो. तो बोलते हैं कि माउंट मोरिया पे मैं हम सैक्रिफाइस के लिए जाएंगे, प्रभु को अर्पण करने जाएंगे, आप चलो हमारे साथ. माउंट मोरिया इज इन जेरुसलम. जेरुसलम में है ये माउंट मोरिया. ओके, सो बोथ गो. तो ये दोनों निकलते हैं. फाइनली दे कम टू अ स्पॉट. एक ऐसी जगह आते हैं वेयर अब्राहम सेज टू द टू सर्वेंट्स, नाउ यू वेट हियर, आई एम गोना टेक द सन एंड आई एम गोइंग अहेड.
तो जो माउंटेन है, जो पर्वत है, उसके नीचे आके उनके साथ जो दोस्त दो दास होते हैं, अब्राहम उन्हें बोलते हैं कि आप यहाँ रुको, मैं और मेरा बेटा ऊपर अर्पण करके आते हैं। वो दोनों ऊपर चढ़ रहे हैं। इसहाक जो है वो अपने पिता से पूछता है, अब्बा we have the wood, हमारे पास लकड़ी है, but where's the sacrifice? लेकिन जो अर्पण करने की करने वाला जो अर्पण है वो कहाँ है? Now the historical records tell us a beautiful conversation happens at this stage between father and son. इतिहास हमें बताता है कि बहुत अच्छा संभाषण, सुंदर सा संभाषण अब्राहम और उसके बेटे के बीच में हुआ। Now remember, Abraham's carrying the light of God with him. आप ध्यान रखिए कि अब्राहम जो है वो प्रभु का प्रकाश अपने को अंदर ले चल रहा है। And he's brought up his son in the ways of the Lord, so he's passed on the light. और उसी तरह उसने अपने इकलौते बेटे को प्रभु के प्रकाश में चलाया है। So Abraham tells him, my son. अब्राहम बोलते हैं, हे मेरे बेटे। God spoke to me. पिता ने मुझसे बात किया। You are the sacrifice. आप अर्पण हो। I'm supposed to kill you, and then I'm supposed to burn you as a burnt offering to the Lord. पिता परमेश्वर चाहता है कि मैं आपको मार डालूं और मारने के बाद आपको जला डालूं पिता परमेश्वर के लिए। Now here's this 37-year-old man, solid, strong guy. ये जो 37 साल का जो जवान ऐसा हष्टपुष्ट जो लड़का था। प्रकाश, if your father is to say this to you, what will you say? भाई प्रकाश, अगर आपके पिता आपको ऐसे कहेंगे तो क्या बोलोगे? What will you say? बता बोल। What would I say? हम क्या कहेंगे हमारे पिता को? आप बोलेंगे, अरे क्या हो गया आपको, आप तो परमेश्वर से नहीं सुन रहे हो। नहीं नहीं, मुझे लगता है आपका अभी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं आपको आदर करता हूँ, प्यार करता हूँ, लेकिन आप जो सुन रहे हैं ये प्रभु से नहीं है। तो इसहाक ने क्या कहा? अब अगर ये परमेश्वर ने आपसे कहा है, I know it's difficult, but I will submit. लेकिन मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पिता परमेश्वर ने कहा है तो मैं आदर करता हूँ। So when they go to that spot, he says to his father, he says, tie me so hard so that even if I want to break free, I cannot break free. तब इसहाक ऊपर जाते हैं और उनके पिता से कहते हैं कि मुझे इतनी सख्त और तेजी से और इतनी मजबूती से His eyes weeping, his heart full of unhappiness, picks up the knife to kill his son. तो पूरी मजबूती से जब उसे बांधा जाता है कि मैं खोल के भाग ना पाऊं, अब्राहम जो है अपने हाथ में एक चाकू लेते हैं और आगे बढ़ा के उसे मारने के लिए जाते हैं। That time God says, Abraham, और उस समय पिता परमेश्वर कहते हैं, अब्राहम नहीं, अपने बेटे को नहीं मारना। What a scene it must have been. वो जो पूरा सीन था वो कैसा होगा? We look at Abraham as a man of faith who did that. हम देखते हैं कि जो अब्राहम है ये विश्वास के पिता थे। But look at the faith of Isaac who says, okay, I'll do it. लेकिन इसहाक का विश्वास देखिए जो खुद बोले कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। Do you know why? Because the family system was perfect in the house of Abraham. आप जानते हैं क्यों उसने अपने पिता के निर्णय का समर्पण किया? क्योंकि जो परिवार का जो स्थापन था वहाँ पे बहुत अच्छे से स्थापित हो चुका था। So that it was so perfect that when he said, "I've heard the voice of God," his son said, "Yes, this is the voice of God. I will do it." इसहाक ने अपने पिता से सुना कि अब्राहम ने परमेश्वर की वाणी सुनी है, तब उसी समय इसहाक ने रिटेलिएट ना करके उसे समर्पण कर दिया। And literally at that stage, the light really passed from the father to the son Isaac. उसी समय जो प्रकाश अब्राहम के अंदर प्रभु ने डाला था, उसी समय वो प्रकाश इसहाक के अंदर उतर आया। And God said, "This is a family of faith." और प्रभु ने कहा, ये पूरा कुटुंब विश्वास का परिवार है। The Jewish rabbis teach that Sarah played a very big role in the family. यहूदी जो रबाई है वो कहते हैं कि सारा उनकी माँ, इसहाक की माँ ने इस पूरे सीन में बहुत बड़ा योगदान दिया। She had a very big heart. उसका बहुत बड़ा दिल था। She would welcome everyone. They used to live in tents, right? She would welcome everyone into the tents. वो सभी को अपने घरों में स्वागत करती थी।
She would give them food, she would give them supplies, whatever they needed, she would just open her heart and give it. उन्हें खाना देती थी, उन्हें घर देती थी, जो कुछ भी वो दे सकती थी, बहुत सारे लोगों का वो स्वागत करती थी. And it is said that everyone who entered into the tent of Abraham went out knowing that one God, Yehovah. जो कोई भी वहां खाना खा के जाता था उनके साथ समय बिताता था और जाके उनके पास से जब बाहर जाता था उन्हें पता चलता था कि यहाँ पे एक ऐसा परमेश्वर है ये एक ही परमेश्वर है because not only would they hear the word of God but they would see the family life reflecting the nature of God. वो वहां प्रभु का वचन ही नहीं सुनते थे लेकिन वो अपनी आंखों से देखते थे कि परमेश्वर का प्रेम इस कुटुंब में के द्वारा बह रहा है. वो कैसा परिवार होगा आप सोचिए. परफेक्ट फैमिली दैट मस्ट हैव बीन. वो किस तरह का पूरा सिद्ध ऐसा परिवार था. Abraham was a man who would keep doing. He was not just talk, but he was a man of action. वो सिर्फ बोलता ही नहीं था लेकिन वो काम करने वाला कार्य करने वाला अब्राहम ऐसा. We've seen so many things that he did, right? He built altars for God. हमने देखे अब्राहम ने बहुत सारी चीजें की हैं. उसने परमेश्वर के लिए वेदियां बनाई हैं. He believed God, so he went into another land. उसने विश्वास किया परमेश्वर पे और दूसरी जगह पे दूसरी भूमि पे वो चलता चला गया. He preached righteousness to the people. सारे लोगों को उसने धर्मी जन का प्रचार किया. Lot was captured. He went with his servants and he won back. He defeated the kings and he brought back Lot. Lot जो है वो एनिमी से कैप्चर हुआ था और उसके लिए उसको छुड़ाने के लिए अब्राहम ने बहुत बड़ी लड़ाई की थी. उन सारे दुश्मनों को उसको उसने खात्मा किया था और अपने लोट को ले आया था. मेल्किसेदेक जो हाई प्रीस्ट थे उनको अब्राहम ने अपना दशमांश भी दिया था. उसने अपने इकलौते बेटे को अर्पण के लिए ऊपर ले गया था. सदोम और गमोरा जैसे पाप वाली जगह के लिए उसने मध्यस्थी की प्रार्थना की. बहुत सारे कुएं उसने पानी के लिए खोदे थे. और जब उसके टेंट में उसके पास जब प्रभु के एंजल्स दिव्य दूत आए थे उसने उनकी आंखों से उसे पहचान लिया प्रभु से है. वो एक बहुत कार्यकारी ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर के लिए जो कुछ बने वो कर सकता था करता था. Learn from that family of God, the family of Abraham and Sarah and Isaac. We need to learn that they were people of action. तो आज हमें सीखना है कि इनका जो कुटुंब था अब्राहम सारा और इसहाक का ये जो कुटुंब था ये प्रभु के लिए काम करता था और उनमें जो एक ही थी वो प्रभु की थी. They were not only sitting at home and praying. वो सिर्फ एक जगह पे घर पे बैठ के प्रार्थना नहीं करते थे पर वो काम करते थे. वो सदा काम करते थे यीशु के लिए परमेश्वर के लिए. आमेन. नाउ लेट्स मूव ऑन. आगे बढ़े. सो द लाइट्स पास्ड ऑन टू आइज़क टू इसहाक. तो ये जो प्रकाश था अब्राहम से इसहाक की तरफ गया. नाउ फ्रॉम देयर व्हाट्स हैपनिंग. उसके बाद क्या हुआ. माय क्वेश्चंस. ओके फ्यू क्वेश्चंस यू विल फाइंड इट हियर. कुछ सवाल है आप यहाँ देखिए. So right? Abraham was 100 years old when Isaac was born. Abraham जो है 100 साल के थे जब इसहाक का जन्म हुआ. Now how old was Isaac or Isaac when he got married? इसहाक की उम्र क्या होगी जब उसकी शादी हुई थी. You will find that in Genesis 25 verse 40. उत्पत्ति 25:20 में आपको पता चलेगा इसहाक की उम्र क्या थी. 40 years old. वो 40 साल का था तब उसकी शादी हुई. 3 years after he was about to be sacrificed. Now he's going to get married. 3 साल पहले जब उसका अर्पण होने वाला था उसके 3 साल के बाद अब उसकी शादी हो रही है. Who did he marry? किसके साथ उसने शादी की. Who did he marry? Name? Rebecca. Rebecca. Easy question, right? Okay. Now how old was Isaac when his sons were born? इसहाक की उम्र क्या थी जब उसके बेटे पैदा हुए थे. You will find that in Genesis 25:26. उत्पत्ति 25:26 में आपको पता चलेगा. He was 60 years old. तब वो 60 साल का था जब उसकी पहली संतान पैदा हुई. So in that case, how old was Abraham? तो उस के हिसाब से अब्राहम की उम्र क्या होगी. 160. 160 लगभग. How old was Abraham when he died? अब्राहम जब मरे तो उनकी उम्र क्या थी. 175. In उत्पत्ति 25:7 में कहा है कि अब्राहम जो है 175 साल. So how old was Isaac? Isaac की उम्र क्या होगी. 75. Okay. In that case, how old were Isaac's children?
तो उस जानकारी से हिसाब से इसहाक के बेटे कितने उम्र के थे? 15 years. Who were his children? Who were his children? Jacob and Esau. Twins. Two twins. इसहाक के जो बेटे थे 15 साल के थे और जो 15 साल के बेटे थे वो जुड़वे थे याकूब और इसाव. So think of this now. Abraham, a man of faith. आप इस बारे में सोचिए, अब्राहम जो है विश्वास के पिता थे. His grandchildren lived with him for 15 years. उसके नाती पोती थे जो वो 15 साल उसके साथ रहे. Do you think he would have taught them the ways of God or not taught them? आपको लगता है कि अब्राहम जो थे दादाजी, क्या उन्होंने अपने नाती पोतों को परमेश्वर के प्रकाश के बारे में बताया होगा? 100% he would have. हाँ, बताया होगा. No doubt about it. उसके ऊपर कोई Esau and Yaakov or Jacob had the privilege of learning God's word from their grandfather for 15 years. तो उनका सौभाग्य था याकूब और इसाव का कि 15 साल उन्होंने अपने दादाजी से परमेश्वर के बारे में उनकी आज्ञा और वेज के बारे में पढ़ा था. Remember, the light has passed on from Abraham to Isaac. तो ये आप ध्यान रखिए कि अब्राहम से जो प्रकाश तो है आगे बढ़ा इसहाक से. इसहाक doesn't have children for 20 years. 20 साल तक इसहाक को बच्चे नहीं थे. So what does Isaac do? तब इसहाक ने क्या किया? He prays to the Lord. उसने परमेश्वर से प्रार्थना की. But before that, I want us to look a little bit at the life of Rebecca. उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसहाक की जो पत्नी थी रिबेका उसके जीवन के बारे में. Now you need to open your Bibles because it's not on the screen. तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आप अपना बाइबल खोलिए क्योंकि वो स्क्रीन पे नहीं है. Okay, and we will look at Genesis 24. उत्पत्ति 24 में. Now you see, God, not God, Abraham tells his servant, I want you to go and find a wife for my son. अब्राहम जो है वो अपने नौकर से वो बोलते हैं कि जो मेरा बेटा इसहाक है उसके लिए आप एक पत्नी ढूंढ लाओ. Brother Amul will love this because Pastor Sanjay gave this message in his engagement, right? भाई अमोल को ये पसंद आया था क्योंकि उनकी एंगेजमेंट में पसंद है. A bride for Isaac. So Amul was that Isaac. And Sister Josna was Rebecca. All right? So now, Abraham tells his servant, you are not to take a wife for my son from the people of this land. You have to go to my people and bring a wife for my son. अब्राहम अपने नौकर से कहता है कि आप जो है मेरी बेटी के लिए जो वधु है, पत्नी है, इन लोगों में से नहीं लाओगे, लेकिन मेरे कुटुंब में जाओगे, वहां से उसके लिए पत्नी ले आओगे. If you read the story, you actually understand that this servant made him very nervous. तो पता है आपको, अगर ये आगे सुनोगे तो आपको लगेगा ये जो नौकर अब्राहम का था जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी वो थोड़ा सा उदास हो गया था. Master, what if she doesn't come with me? What if I get the wrong person? वो बोले कि अरे मालिक, अरे प्रभु, अगर मेरे साथ में उसने बोला नहीं आती हूँ और आप जो बोल रहे हो गलत हो गया, वो आई नहीं, मिली नहीं, तो क्या होगा? So it says in verse 10 of 24. 24 उत्पत्ति में 10 में वो नौकर उसे कहता है. The servant says he takes 10 camels. उसके साथ वो 10 ऊंट ले जाता है. Camels with him. Okay? Imagine them all loaded with gifts. 10 ऊंट, एक ऊंट नहीं लेकिन 10 ऊंट खाली नहीं थे लेकिन उनके ऊपर पूरा गिफ्ट था. The chief servant with his assistants, you know. All them have gone. Big band wagon. और एक इकलौता नौकर नहीं था लेकिन उसके साथ नौकर के हाथ के नीचे काम करने वाले और दूसरे नौकर थे. And then he says to God, Lord, I've come here. Now he goes there, right? He's reached that place. तब वो नौकर बोलता है कि पिता परमेश्वर, मैं अब्राहम ने बोला उस जगह में पहुंच चुका. Verse 12 he says, 12वें अध्याय में, God of my master Abraham, please help me to find success. परमेश्वर जो अब्राहम मेरे मालिक हैं उनके परमेश्वर, आपसे मैं चाहता हूं कि आप मुझे सक्सेस दें. So he puts some conditions. तो उनके सामने वो कुछ आशाएं रखते हैं. Like we do, right? Lord, I'm praying for the right wife. If she has this, 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 then she's meant to be. बहुत बार हम सोचते हैं ऐसा, परमेश्वर के सामने कुछ रखते हैं कि प्रभु अगर मेरी बीवी ऐसा ऐसा कुछ करेगी तो वही मेरी पत्नी होगी. I don't know if brother Jitu did that. मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता कि brother Jitu. I don't know if brother Amol did that. I don't know if brother Prakash did that. But anyway, many people do that. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अगर मेरी पत्नी में ये सब गुण होंगे तभी मैं सोचूंगा कि प्रभु ये आपकी तरफ से है. Right, but I remember you, Sister Rasika, saying that she had a long list.
मेरे पास और इफ मीट ऑल दिस रिक्वायरमेंट्स देन आई गेट मैरिड सही बात है ओके चलो अच्छी बात राइट सो एलीएजर डिड दैट द सर्वेंट ऑफ अब्राहम ही डिड दैट एलीएजर अब्राहम का जो नौकर था उन्होंने ये बात परमेश्वर के सामने अर्थ रखी थी सो ही सेज लॉर्ड इफ शी कम्स एंड गिव्स मी वाटर टू ड्रिंक एंड शी आल्सो गिव्स वाटर टू माय कैमल्स देन आई बिलीव दैट दिस इज द राइट पर्सन पिता परमेश्वर अगर वो लड़की में मुझे पानी देगी खुद होके और ये जो मेरे ऊंट है उन सभी को पानी देगी सो देखे तो मैं सोचूंगा कि आपकी तरफ वो वहां गया उस कुएं के पास बैठा और वो रुका हुआ था Here comes Rebecca. और वहां रेबेका आती है And she comes and offers him water. और वो बोलती है आप प्यासे देख रहे हो आप पानी लीजिए Oh, please, huh? Great. तो वो बोले अरे वाह ये तो मैंने जैसा बोला वैसा कर रही है Then she looks around. तब वो आजू बाजू देखती है Oh, you have camels. आपके पास ऊंट है Come, let me bring water for your camels also. आइए मैं आपके सभी ऊंटों के लिए पानी ले आती हूँ okay, until they have their fill, it says. उसने उन ऊंटों को तब तक पानी पिलाया जब तक ऊंट जो है वो पूरी तरह तृप्त हो गए आप इस बारे में एक ऊंट जो है एक समय में कितना पानी पीता है आप इंटरनेट उसके पास कोई हमारे जैसे घरों में मोटर है वैसी मोटर थी या पाइप से दे रही थी या क्या This is Rebecca, okay? The Bible says she was extremely beautiful to look at. तो ये जो रेबेका के बारे में बाइबल कहता है तो वो बहुत सुंदर थी दिखने में Now, now if you read verse 21, Please read it for me. Someone just read it for me. It's an amazing verse. 21st वचन हम पढ़ेंगे. The man looked steadfastly at her, remaining silent, to know whether Yahweh had made his journey prosperous or not. And read 20 also, please. She hurried and emptied her pitcher into the trough and ran again to the well to draw. And drew for all his camels. Okay, my Bible says that she kept on going back and forth, till she gave all the camels water. मेरा वो बाइबल कहता है कि वो ये चीज बहुत बार कर चुकी कि जब तक सारे ऊंट को उन्होंने पानी पिला के तृप्त ना कर दिया 10 camels 10 camel and she's going up and down and giving them water from the well that means she's taking water carrying it giving it to them going back picking it up again going back 10 camels वो जा रही है एक मटका ले जा रही है वापस भर रही है फिर से उन ऊंट को पिला रही है वो इसने कितने बार किया होगा अगर एक कैमल आप सोचिए अगर 900 लीटर पानी पीता है and servant of Abraham's looking amazed और जो नौकर है अब्राहम का एलीएजर वो देख रहा है पूरे अचंभे से कि ये क्या हो रहा है says, This is the hand of God. और तभी उसने कहा कि ये पिता परमेश्वर का हाथ है Amen. Amen. So he chooses her. तब उसने उसका चुनाव किया she agrees, she goes back. उसने कहा हाँ मैं आऊंगी और अब्राहम के नौकर के साथ चली गई you know what's so beautiful about her? पता है आपका सबसे सुंदर चीज रेबेका के बारे में जब उसने पहली बार इसहाक को देखा तब उस समय इसहाक जो 40 साल का था बहुत ही सुंदर दिखने में होगा उसने बोला अब्राहम के नौकर को कि ये कौन पुरुष है जो हमारी तरफ चला आ रहा है तब उस नौकर ने कहा कि ये जो तेरे तरफ चला आ रहा है ये तेरा होने वाला पति है तब हमारा पवित्र शास्त्र कहता है कि उसने अपने आप को पूरी तरह ढक लिया Amen. Amen. You see the respect she showed. तब आप देखिए कि उस तरीके का आदर उसने होने वाले पति को दिया। She realized, तब उसने ये जान लिया This is the man carrying the light of God. ये है ये प्रभु का प्रकाश जो अपने अंदर लिए जा रहा है And I am supposed to help him to take that light to all the world. और मैं जो हूँ इस प्रकाश को दूरी पूरी दुनिया में ले जाने के लिए इसहाक को मदद करूंगी He carries the presence of God with him. ये जो है जो प्रभु का सानिध्य अपने ऊपर अपने साथ अपने अंदर लिए जा रहा है और उसने अपने आप को पूरी तरह ढांक लिया And the Bible says, और तभी पवित्र शास्त्र कहते हैं Isaac took her into his tent. Isaac ने उसे अपने टेंट में तंबू में ले गए He was comforted
of the death of his mother because of Rebecca. उसकी माँ का जो उसे शोक था, इसहाक को अपनी माँ का जो शोक था, जब उसने रेबेका को देखा, उससे जब मिला, तब उससे सांत्वना पाया। Wife can never replace the mother. जो पत्नी है कभी भी माँ को रिप्लेस नहीं कर सकती, उसकी जगह नहीं ले सकती। So how was he comforted? तो किस तरीके से जो इसहाक है सांत्वना पाया? You know why? पता है क्यों? Because she was an exact replica of Sarah. क्योंकि वो पूरी तरह एग्जैक्ट फोटोकॉपी थी सारा की। The grace that Sarah had, जो कृपा उसके ऊपर थी, the support that Sarah gave to Abraham, जिस तरह जो सारा अपने पति को ऊंचा उठा रही थी, उसी तरह the manner in which she protected the anointing upon Abraham, जिस तरह सारा ने अब्राहम का जो अभिषेक है उसका रक्षण किया, Rebecca did the same things with Isaac. रेबेका ने आइज़ैक के साथ, इसहाक के साथ उसी तरह पेश आया। And that is why he was comforted, because she was able to display the same grace that was upon the life of Sarah. इसी कारण इसहाक को पूरी तरह सांत्वना मिली, जिस तरह उसने रेबेका को काम करते हुए देखा। Because she was in that home where Abraham was giving them the light and had passed on the light to this couple. क्योंकि रेबेका उस जगह पे आई थी, उस परिवार में थी जहाँ अब्राहम जो है अपने अंदर प्रभु का प्रकाश अपने बेटे और बहू को दे रहा था। Amen. Amen. Now, 20 years they don't have children. अब 20 साल तक शादी के उन्हें बच्चे नहीं थे। Are you still with me? क्या आप मेरे साथ हो? Still with me? Aboard? क्या आप बोर हो चुके हो? Okay, can we go on? क्या आगे बढ़ सकते हैं? Almost done 1 hour, okay? Timing it. It's almost 1 hour. एक घंटा हो चुका है। Okay, but we'll go on. हम आगे बढ़ेंगे। So now 20 years they don't have children. 20 साल तक उन्हें कोई बच्चे नहीं थे। The Bible says that Isaac prayed to the Lord. It says this in chapter 25 and in verse 21. It's not praise on behalf of his wife to the Lord. इसहाक जो है 20 साल तक बच्चे ना होने के कारण पिता परमेश्वर को अपने बीवी की तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं। Imagine that. She is allowing him to pray on his behalf. वो अपने जो पति हैं उनको बोल रही है कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो जो है वो सर है, वो उसको पता चल चुका है। We're covering a lot of things. We're covering family life, we're covering the anointing of God, we're covering the light of God, all of that together. हम एक साथ सारी चीजें देख रहे हैं, जो सर है, प्रभु का अभिषेक है, परिवार है, कुटुंब है। So he prays, God answers. वो प्रार्थना करता है इसहाक अपनी बीवी के लिए और प्रभु जो है उत्तर देते हैं। जो 60, इसहाक becomes a father. तो 60 साल की उम्र में इसहाक जो है वो पिता बनते हैं। Now the Bible tells us in the next verse, in verse 22, that there were two children inside the stomach of Rebecca. रेबेका के अंदर दो बच्चे थे। They were Esau and Jacob. याकूब और ईसाव। Now were they living in shalom inside the womb? क्या वो दोनों शांति में, प्रभु की शांति में थे अंदर? Yes. Yes, they were. No, they weren't. So Bible says they were from the womb. They were fighting. They were doing WWE inside the womb from the time that they were conceived. माँ के पेट से ही वो एक रेसलिंग का मैच खेल रहे थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति शांति नहीं थी। Now, since I've never given birth. क्योंकि मैंने कभी किसी को जन्म नहीं दिया है। Those who given birth understand. जिन्होंने जन्म दिया है वो जानते हैं। But I'm told, right, children kick out and all those things happen. हमने सुना है कि जो बच्चे हैं जब अंदर बढ़ते हैं 5वें महीने के बाद तो लात बुक्की सब मारते हैं। Okay. Now here are two who are punching each other, kicking each other, wrestling each other, all sorts of things happening, and Rebecca's wondering what's going on inside me. दोनों जो हैं एक दूसरे को लात मार रहे थे, हाथ मार रहे थे, घूंसे मार रहे थे, और रेबेका सोच रही थी कि मेरे पेट के अंदर हो क्या रहा है। So she's troubled. And she goes to the Lord. She says, Lord, what's happening? तो वो परेशान हो गई और वो पिता परमेश्वर के पास गई और पूछी कि ये क्या हो रहा है? And read the verse. It says, in verse 23, it says, the Lord answered her, two nations are inside of you. तभी पिता परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि यहाँ पे दो बेटे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे दो राष्ट्र हैं जो तेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। One is stronger than the other. एक जो है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से मजबूत है। But the older will serve the younger. लेकिन जो बड़ा है वो छोटे की चाकरी करेगा। So now if you're Rebecca, what are you thinking? अगर आप रेबेका है तो आप क्या सोचोगे? It means the light has to be passed on now
to the younger. अगर आप रेबेका हो तो आप सोचोगे कि पिता परमेश्वर ने कहा कि छोटे के पास ये जो प्रकाश है वो जाना चाहिए। God never said the older will not be blessed. पिता परमेश्वर ने नहीं कहा कि जो बड़ा है जो पहला आएगा उसके ऊपर आशीष नहीं आएगा। But God was saying that through the younger things are going to go ahead in a different way. लेकिन पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि छोटे बेटे के सामने से कि उससे आगे चीजें बढ़ेंगी। So who was the elder? जो बड़ा कौन था? What was his name? Esau. Okay. And the younger was Jacob. All right. So now what happens? अब क्या होता है? We see further. अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। Esau preferred the elder son. Esau जो है उसे Esau बहुत पसंद था। And he was a hairy man. He was a tough guy. So he was the stronger guy. ईसा जो पहली उत्पत्ति थी वो बहुत मजबूत था, उसके शरीर के ऊपर बहुत बाल थे। फादर फेवर्ड हिम, जो उसका पिता था उसे बहुत पसंद करने लग गया। द मदर फेवर्ड द यंगर वन, लेकिन बाइबल कहता है कि रेबेका उनकी माँ थी उसे छोटा पसंद था। दैट्स नॉट गुड, राइट? यू हैव टू चिल्ड्रन, यू ट्रीट देम इक्वली। लेकिन ये ठीक बात नहीं है, आपके दो बच्चे हैं आप दोनों को एक जैसा ट्रीट कीजिए, एक को कम एक को ज्यादा ना कीजिए। You love them equally, you give them equal provision, you do everything equally. आप सभी को आप दोनों को एक जैसा समान रूप से मानिए, लेकिन एक दूसरे के प्रति भेदभाव ना कीजिए। And Rebecca loved both. Rebecca को दोनों प्यारे थे। But she favored Yaakov because God had already told her something. परंतु रेबेका ने जो छोटा है उसके ऊपर ज्यादा प्यार बरसाया क्योंकि प्रभु ने उससे कहा था कि प्रकाश उससे बहेगा। At the age of 15, 15 साल की उम्र में what happens? Abraham dies. अब्राम की जो मृत्यु हो जाती है। One fine day, this man Esau, what is he actually? एक दिन says he's an outdoor man. एक दिन यहाँ कहा है कि ईसाव ये कौन है? He loved to go out. ये ईसाव का मतलब है बाहर रहने वाला व्यक्ति। He was a hunter. वो जो एक शिकारी था। Okay? He loved to go out and hunt. उसे बहुत पसंद है बाहर जाके शिकार करो। He would kill. वो मारता था। And his father would love that because he would get nice meat for him to eat. वो अच्छा कुछ शिकार ले आता था, उसे पकाता था, उस ईसाव को देता था, ईसाव को बहुत पसंद आता था। But you understand as you read further that Esau was a little bit of what you would call in Hindi a bhukkad. आगे चलके देखेंगे तो Esau जो है वो खाने के प्रति उसका थोड़ा ज़्यादा लगाव था। One fine day he comes from the field. He's absolutely tired. एक दिन वो शिकार करके आता है और बहुत थक चुका है। And he goes to his brother. उसके भाई के पास जाता है। He says, Jacob, you're cooking something. Pour that into me. He does that. याकूब तू क्या पका रहा है? तो जो कुछ भी पका रहा है मेरे मुंह के अंदर तू डाल दे। Because you know the historical Jewish records say that Esau was a very crude kind of a man. जो इतिहास बताता है कि ईसाव जो है ये बहुत ही मजबूत था और he was very crude in his behavior. वो ऐसा सिविलाइज नहीं था, उसे कोई मैनर्स नहीं थे। He grew up to be like a gunda. He became a murderer. He was doing all sorts of bad things. तो जैसे बड़ा हुआ उसमें कोई सिविलाइजेशन मैनर्स नहीं थी, वो ऐसा गुंडे की तरह बड़ा हुआ। But what does the Bible say about Jacob? लेकिन बाइबल याकूब के बारे में क्या कहती है? He was different, right? वो अलग था। The Bible says that he was a calm man, he was a timid man, and he lived inside tents. वो एक शांत स्वभाव का था, वो timid था, थोड़ा सा shy था, और वो टेंट्स के अंदर रहता था। शिकार नहीं करता। The Hebrew word used to describe Jacob is a word called tam. Hebrew word जो है वो याकूब को बताता है उसका मतलब है tam. Can you say tam? Tam. Bible says Jacob was tam. याकूब जो है वो tam था। Tam. Say tam. Say it again. Tam. Tam. Tam means he was a perfect man. Tam का मतलब है पूरी तरह सिद्ध ऐसा व्यक्ति। He was a man of integrity. जो अंदर से एक रूप था। He was a pious man. वो दयावान था। He was a holy man. वो पवित्र था। And it says that he dwelt in the tents of Yehovah. यहोवा का जो तंबू है, उसके अंदर रहने वाला ऐसा वो टाम व्यक्ति था। Imagine this. आप सोचिए। The light from Abraham is now passed on to Jacob. जो प्रकाश है अब्राम से इसहाक से लेके ईसाव की तरफ नहीं लेकिन याकूब की तरफ आया। You know, every time I hear a sermon about Jacob in some church, I'm told about how he was a deceiver, how he was a trickster.
sister, how he fooled his brother, how he fooled his father. You know all sorts of bad things about Jacob. बहुत बार कलीसिया में मैंने सुना है कि याकूब जो है वो कैसा छल करने वाला व्यक्ति था, उसने कैसे अपने पिता को फंसाया, उसने किस तरह ऐसा ट्रिक यूज किया और फंसा के आगे निकल गया। Am I right? क्या मैं सही हूँ? That's what we see, right? We think Jacob means, the word Jacob means he's a supplanter, he's a deceiver. याकूब का मतलब है फंसाने वाला, जो फंसा के चीजें हिस्का लेता है। Actually, Jacob does not mean deceiver, it means heel grabber. याकूब का मतलब जो है फंसाने वाला नहीं है, लेकिन उसका मतलब है जो एड़ ही पकड़ने वाला है, the hold on, he said that. जो एड़ ही को पकड़ता है। Why? We will see later. क्यों? हम आगे देखेंगे। So, Esau comes to him. तो ईसा उसके पास आता है। Jacob, give me that food. याकूब को खाना मुझे दे दो। So Jacob says, now look, listen. He's realized the light belongs to him. Right? 50 years more than that have gone by and he realizes the light is actually his. 15 साल के बाद याकूब को पता चलता है कि जो प्रकाश है वो उसे बिलोंग करता है, उसका है। Because God prophesied it from the womb. क्योंकि प्रभु ने तो उधर से ही बताया था। All right? हाँ? Okay. Now he thinks that as per my culture, it's the elder who has to actually get the right from the याकूब को पता था कि उसके ट्रेडिशन के कारण कि जो बड़ा है उससे ये पहला होने का अधिकार मिलता है। So he's thinking, I have to get this somehow. तो उसे पता चला कि उसका ये प्रकाश उसी का है, तो किसी तरह मुझे वो प्रकाश लेना है। God's already planned it. क्योंकि प्रभु ने ये पहले से बनाया था, ध्यान दिया था। क्या वो गलत था? नहीं। No, in fact, he was in the will of God. नहीं, लेकिन वो प्रभु के प्लान में था। So he tells his brother, तब उसकी उसके भाई को बोलता है, give me your birthright, I'll give you the food. तेरा जो पहला होने का अधिकार है वो मुझे दे दे, और मैं खाना दे दूंगा। My question to you is, what was this birthright? मेरा सवाल है कि ये जो पहला होने का अधिकार ये क्या था? पहलौटा होने का property? तुमको लगता है कि कोई प्रॉपर्टी है, जमींदार ज्यादा है? As from the beginning, God gave leadership to Adam, to the head of the home. प्रभु परमेश्वर ने पहले से ही जो अदाम है उसको अगुवे के जैसे बनाया था। And God gave him the mandate that he's to carry the light into the world. और प्रभु ने अदाम को हकदार किया था कि वो जो प्रभु का प्रकाश है वो आगे बढ़ा के ले जाए। Now the lights come to Abraham, passed on to Isaac, and it's going further. पहले प्रकाश अब्राहम के पास आया, फिर इसहाक के पास, और अभी आगे बढ़ रहा है। So you can say it's like a priesthood. तो आप बोल सकते हैं कि एक याजक के समान, याजक का काम, the role to carry the light of the family, to carry the light of God. परिवार का जो प्रकाश है, परिवार का और प्रभु का जो प्रकाश है वो आगे बढ़ाने का याजक का काम। The calling that God had upon the home of Abraham was now being passed on. जो अब्राहम का कुटुंब है, परिवार है, उसके ऊपर प्रभु की बुलाहट अभी आगे याकूब की ओर से आगे जा रही है। सारी दुनिया को प्रकाश के समान आगे बढ़ा, प्रभु का जो मसाया है उसे इस दुनिया में लाने का काम, वो उस पहलोटे की का राइट था। और याकूब को पता था कि उसी की ओर से ये होना चाहिए। Jesus said, the kingdom of God suffers violence, the violent take it by force. प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का जो राज्य है वो हिंसा से गुजरता है, और जो हिंसक है वो हिंसा से वो ले लेते हैं। Times we need to grab things. बहुत बार हमें हमारी चीजें जो है वो छीन लेनी चाहिए, it's the will of God. क्योंकि ये प्रभु का विल है। And that was not something that Jacob did to deceive. He acted in the will of God. ये कोई ऐसी चीज नहीं की, उसने फंसाने वाली बात नहीं की, लेकिन प्रभु का जो प्लान है, विल है, उसके अनुसार उसने उस चीज को छीना। Now Esau did not value that birthright. जो पहलोटे का अधिकार है ईसा ने उसका वैल्यू, उसकी कीमत नहीं रखी। He didn't care for the light. He didn't care for the priesthood. He didn't care for the leadership. उसने याजक का, उसने उस प्रकाश का, अगुए होने का कोई भी काम आगे नहीं बढ़ाया। All he wanted was that lovely food that Jacob was making. और सब कुछ उसे नहीं चाहिए था, लेकिन उसको सिर्फ वो चाहिए थे, खाने वाली चीज जो याकूब बना रहा था। बुकर लिटरली I don't care for anything. I want my food. मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता, मुझे मेरा खाना चाहिए। For that one meal. वो
एक दिन के खाने के लिए he gave the light. अपने पास जो होने वाला प्रकाश था उसने याकूब को दे दिया. Walked into darkness. अंधेरे में चला गया. And his father knew all this. और उसका उसका जो पिता था ये सब जानता था. That's why his father thought. तब उसके पिता ने सोचा, I have one chance to bless my son who's completely gone astray. मेरे पास एक ही मौका है कि जो अंधेरे में चला गया मेरा बेटा है उसे आशीष करूं. He said, बेटा, you are good at hunting. Get me something to eat. I will bless you. तब उसने कहा कि तू जो मेरा बेटा है वो शिकार में बहुत अच्छा है कुछ तो मेरे लिए ले आ. Because as a father, look, he wanted to keep things together. क्योंकि पिता होने के कारण वो चाहता था कि उसका कुटुंब जो हो एक साथ रहे. He knew what a rogue his son was, but he said, look, let me try my best as a father to still bring him back into the house of God. इसाव जानता था इसाव उसका बेटा किस तरह का गुंडा था लेकिन वो चाहता था कि किसी तरह मैं कुटुंब जो है एक साथ रखूं. And he knew the value of laying on of hands. और इसाव जानता था कि पिता जब अपने बेटे पर हाथ रखने का जो अधिकार वो कितना. He must have thought, when my father laid his hands upon me on Mount Moriah, the light passed on to me. उसे बहुत उसने कहा कि जब मेरे पिता ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा माउंट मोरिया पे तो उसका कितना बड़ा काम हुआ उसी तरह मैं चाहता हूँ. I'll now lay my hands upon Esau and maybe something will happen which will redeem him. उसी तरह मैं इसाव के ऊपर हाथ रखूंगा और किसी तरह जो कुछ भी चीजें गई हैं वो वापस उसके जीवन में आ जाएं. So he doesn't go get me something to eat. That's the only thing you're able to do it properly, and then I'll bless you. वो उसे कहता है तू जा तू शिकार अच्छे से ला सकता है ले आ मेरे लिए और मैं तुझे आशीष करूंगा. And Rebecca saw this is the time. और रेबेका ने देखा कि ये वो समय है. And she said, Jacob, do as I say. और याकूब को उसने कहा कि ये वो समय है जो मैं कहता हूँ वैसा तू कर. मैं जल्दी से आपको एक बेटा देता हूँ. Okay, cut it. Take it to your father. I'm giving you the clothes of your brother. मैं आपको एक डियर देता हूँ और हरिण देता हूँ उसे काटिए पकाइए और अपने भाई के जैसे दिखने वाले कपड़े देती हूँ और आप पहनिए और अपने पिता के सामने जाइए. That's the mother we're looking at today. उस माता के लिए हम देखे जा रहे हैं. What did she do? उसने क्या किया? She remembered the promise of God. उसने प्रभु का जो आज्ञा थी प्रॉमिस था उसे याद किया. That is the younger who was to carry the torch of God. जो पिता परमेश्वर ने उसे कहा कि जो छोटा है वो प्रभु का प्रकाश आगे ले जाएगा. She said, I have to do the will of God whether human beings like it or not. जो मानव है मेरे आजू बाजू के लोगों को पसंद है कि नहीं है लेकिन मुझे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है. This was this dynamic woman, Rebecca. इस तरह से वो इतनी धाड़सी किस्म की औरत थी. She says, बेटा, you listen to me now. You do as I say. उसने कहा कि जैसा मैं कह रही हूँ याकूब आप करो. And फटाफट she created a nice meal. जल्दी से उसने अच्छा पकवान तैयार किया. She knew the taste that her husband loves. उसका पति किस तरह का खाना खाता है उसे पता था. Yummy, yummy, nice food. बहुत स्वादिष्ट ऐसा खाना बनाया. And she said, Jacob, now take it to your dad. याकूब अब जल्दी से अपने पिता के पास ले जा. And he goes there. Isaac was blind by then. इसहाक जो है उस समय was an old man. He couldn't see anymore. वो बहुत बूढ़ा हो चुका था अंधा था. This feels like Esau. उसने याकूब को जिसने वो बाल वाले कपड़े पहने थे उसको छुआ और बोला कि हाँ ऐसा है. Who are you? उसने बोला तू कौन है? I'm your elder. I'm your firstborn. I'm Esau. और उसने झूठ बोला कि मैं आपका पहलौठा बेटा हूँ. He blessed him. और तभी उसने उसे आशीष किया. And then, after some time, Esau comes. और उसके कुछ समय बाद ईसा उसके पास आता है. Suddenly Isaac is shocked. Says, "What's going on?" Esau जब सचमुच आता है तब इसहाक जो है वो हिल जाता है. And Isaac asks him, "Who are you?" जब इसहाक उसे पूछता है कि तू कौन है? I'm Esau. तब वो बोलता है मैं ईसा हूँ. Isaac says, "Isaac started to tremble." और shaking. What's going on? बाइबल कहता है इसहाक जो है वो डर के मारे कांपने लग गया और मैंने और वो सोचने लगा कि मैंने कर क्या दिया. You know what must have happened? Isaac must have suddenly realized my last chance to bless my son is gone. He's going to hell now. इसाक ने सोचा होगा कि ये जो मेरा आखिरी चांस था मेरे बेटे का जो गुंडे की संख्या था उसे आशीष करने का मैंने हाथ से गवा दिया अब ये सच्ची नर्क में जाएगा. मेरे पास एक ही मौका था उसे आशीष करने का वो भी मेरे हाथ से चला गया. तब उसने एक आखिरी उसे आशीष दिया जो कुछ भी उसके पास बचा था. Jacob moves on. आपको पता है आगे क्या हुआ? याकूब जो है वो आगे बढ़ता गया. What's he doing?
वो क्या कर रहा है? carrying the anointing with him. जो प्रभु का अभिषेक है वो आगे लेके बढ़ रहा है. carrying the light of God. प्रभु का प्रकाश अपने साथ लेके बढ़ रहा है. and then what happens with him? और उसके बाद उसके साथ क्या होता है? the Bible says that he wrestles with God. पवित्र शास्त्र कहता है कि उसने पिता परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ी. the Bible says he built an altar to God. उसने परमेश्वर के लिए वेदी तैयार की. what was he doing? वो कर कर क्या कर रहा है? वो ये कर रहा था जो उसके दादाजी से उसने सीखा था. दादाजी must have told him, बेटा, I built an altar for God when I went to Bethel, I went here, I went there, and I made altars for God. And Jacob said, I'll do what my grandfather did. उसने उसके दादाजी से सुना था कि बेटा मैंने यहाँ गया, मैं बेथल गया, इस जगह जिस जगह में भी गया, प्रभु के लिए मैंने वेदियां तैयार की. उसने वो सुन के उसी तरह उसने प्रभु के लिए वेदी तैयार की. And he saw a ladder. He saw the angels of God coming up and down. और जब उस पत्थर पे सो रहा था उसने बड़ी सी सीढ़ी देखी और देखा ऊपर नीचे जाते हुए दिव्य दूतों को देखा. And he sees that's the route to go to heaven. और उसने देखा कि ये मार्ग है जिससे हम स्वर्ग की तरफ जा सकते हैं. तब उसने पता उसने क्या देखा? He saw the Messiah. तब उसने वहाँ पे मसीहा को देखा. उसने यीशुआ को देखा. Because that is the ladder that can take me to the Father. ये जो मसीहा यीशुआ ये मुझे पिता परमेश्वर के पास ले जाएगा. This was Jacob, he was carrying the light. ये याकूब था जो परमेश्वर का प्रकाश ले जा रहा था. फंसाने वाला नहीं. He took what God had planned for him from the womb. वो उसने लिया जो पिता परमेश्वर ने पहले ही उसके लिए तैयार और ठहरा दिया. वो प्रकाश उसके लिए जो पिता परमेश्वर ने ठहराया था. And he had a good mother who helped to fulfill the will of God. और उसके पास उसकी बहुत अच्छी जो माँ थी उसने उस माँ की वजह से उसका वो जो प्लान था वो आगे बढ़ा. Amen. And then he has 12 sons. और उसके बाद याकूब को 12 बच्चे हुए, 12 बेटे हुए. And then you know the rest is history. और आपको पता है आगे इतिहास रच गया. That's Israel. वो इज़राइल है. The light was passed on to Israel. जो प्रकाश था वो इज़राइल के पास चला गया. And eventually, many years later, और बहुत सालों बाद, a rabbi walks on this earth. एक रबाई जो है इस पृथ्वी पर चलते हैं. The greatest of all rabbis. सबसे सारे रबाई से भी बड़े रबाई. Son of God. प्रभु परमेश्वर का यीशुआ मसीहा मसीहा. And the light is passed on to him. और जो प्रकाश है याकूब से बढ़ते हुए उसके पास ले आया. And he comes to the world. और वो इस दुनिया में आते हैं. I am the light. और कहते हैं कि मैं इस जगत का प्रकाश हूँ. And a Jewish Pharisee who's listening to this man say, I'm the light of the world. They know very well he's talking about the light of creation that God introduced. जब फरीसी ये सुनते हैं यीशु को बोलते हुए कि मैं इस जगत का प्रकाश हूँ, तब वो जानते हैं कि इस प्रकाश के बारे में जो यीशु कह रहे हैं वो आदम को पिता परमेश्वर ने दिया था. Because the Jewish Pharisees say that light which God introduced was the Messiah. वो जो प्रकाश है प्रभु ने जो उतारा था बताया था वो मसीहा है, वो यीशु है. So when he said, I'm the light of the world, they knew he was declaring himself to be the Messiah of Jesus. जब वो कहता है कि मैं वो प्रकाश हूँ तब उन्हें पता चला कि ये खुद को मसीहा बता रहा है. Amen. And many believed. बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया और बहुत सारे लोगों ने नहीं किया. But the ones who believed, he sat with them. And he said, listen, my people, you are the light of the world. जिन्होंने विश्वास किया उनके साथ बैठा और उनको उन्होंने सिखाया यीशु आने और बोला कि अब तुम इस जगत के प्रकाश हो. You know what was happening? पता है क्या हो रहा था? The light was now being passed on to them. तब वो प्रकाश उससे बाकी लोगों के पास चला जा रहा था. The light which Jacob protected. जो प्रकाश याकूब ने संभाल के रखा था. From the nation of Israel. उसने इज़राइल राष्ट्र का निर्माण किया. To bring a Jewish Messiah into the world. यहूदी मसीहा इस दुनिया में लाया. Who would be a light to all of the Gentiles. जो सारे विधर्मी हैं उनके लिए वो प्रकाश बने. And that is why Isaiah could write prophetically 500 years before the Lord Yeshua. 500 साल पहले यीशुआ के आने से पहले इज़ाया जो प्रोफेट है वो लिखते हैं. जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने एक अद्भुत अजीब प्रकाश देखा. ग्रेट लाइट महान प्रकाश ग्रेटर देन द सन एंड द
moon and the stars. जो सूरज है, सूरज चांद सितारे, उनसे भी बढ़कर ऐसा प्रकाश देखा है. This was the very light that created the world. ये ऐसा प्रकाश है जिसके कारण इस पृथ्वी की, इस धरती की उत्पन्न हुई थी. This is the light that supplies the sun with the light. ये ऐसा प्रकाश है जो सूरज को भी प्रकाश करता है. Amen. The light of the world who stepped down into darkness. ऐसा प्रभु का प्रकाश जो इस अंधेरी धरती पे उतर आया. And then gave a mandate to his people. तब उसने अपने लोगों को काम दिया. You are the light of the world. बोला कि आप इस जगत के प्रकाश हो. Amen. Amen. And that's why the book of John says that those who believe in him, he gave the right to be called the sons of God. योहान की पुस्तक में कहते हैं जो कोई भी विश्वास करता है उस पे वो उसे अधिकार देता है कि वो उसके बच्चे ठहराए गए. Amen. But imagine this. Think of this. This could only happen because you had a family that was running in the right way. ये उसी तरह हो सकता है जब एक कुटुंब परिवार जो है वो प्रभु के कामों में, प्रभु की आशीष में आगे बढ़े. Amen. You had Sarah who was the perfect wife. यहाँ पे हम सारा देखते हैं जो सिद्ध ऐसी पत्नी थी, the perfect mother. सिद्ध ऐसी माता थी. Rebecca was the perfect wife, the perfect mother. Rebecca यहाँ पे एक सिद्ध पत्नी और माता थी. And then you had Pastor John. और वो आगे प्रकाश बढ़ता है. Here we are today. और आज हम यहाँ. God speaking to us. Matthew chapter 5. मत्ती में पांच प्रभु का वचन. Matthew 5:14. पांच में चौदह. The Lord says, "You are the light of the world." 5:14 कहता है, प्रभु कहता है कि आप इस जगत के प्रकाश हैं. Because you are the light of the world. Amon, you are the light of the world. But the Jitu, you are the light of the world. Amen. Amen. You can say it to your neighbor. हम एक दूसरे को कह सकते हैं कि हम इस जगत के प्रकाश हैं. Imagine that there's a big responsibility with that light. हम कहने से इस प्रकाश के कारण इस दुनिया में बहुत बड़ी जिम्मेदारी से. It means, yeah. It means. Messiah is reflecting through you. इसका मतलब है कि मसाया जो है आपसे दिख रहा है. The Son of God, Yeshua, is reflecting to you. Yeshua जो बेटा है परमेश्वर का, आपसे उसका प्रतिरूप निकल रहा है. As Paul says, Christ in you, the hope of glory. जैसे पौलुस कहता है कि यीशुआ तुम में ये आने वाले गौरव का जो आशा है. Amen.